क्रेडिट कार्ड किट तो आ गई, लेकिन अब इसको एक्टिवेट एंड कार्ड कंट्रोल कैसे करें? HDFC ऐप से, नेट बैंकिंग के थ्रू या कोई और भी सिंपल तरीका है? इस वीडियो में हम आपको देंगे सभी सवालों का जवाब, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहां मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के टोटल 5 तरीके हैं और इस वीडियो के अंदर हम 3 तरीके डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के जो तरीके हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग HDFC बैंक का अकाउंट ओन करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है HDFC माई कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां समझते हैं। तो सबसे पहले आपको माई कार्ड्स के पोर्टल पे आ जाना है और आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट एन OTP, लॉगिन कर लीजिए। अब लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपका कौन सा कार्ड है, उसका कौन सा वेरिएंट है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको सेट पिन पे जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपको सेट पिन पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नया पिन एंटर कर देना है 2 बार, जैसे जो भी आपको रखना है। और लास्ट में फिर यहाँ पे जो भी आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो एंटर करनी है, CVV जो है वो आपको एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको एंटर करके आप इस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने कार्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन्स देखना चाहते हैं, तो आप वो सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको कार्ड कंट्रोल के ऊपर जाना है और यहाँ से आप अपनी सारी जो भी लिमिट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्पेंड्स आप कितने तक की लिमिट लगाना चाहते हैं, मर्चेंट पे आप कितने तक की लिमिट लगाना चाहते हैं, या फिर जो टैप एंड पे होता है जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का पिन डालने की जरूरत नहीं होती, आप उस पर कितने की लिमिट लगाना चाहते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की आप लिमिट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और करने के बाद आप सिंपली अपडेट पे क्लिक करेंगे एंड इट्स डन। कभी कभी ये आपसे OTP मांगेगा, अदरवाइज इस तरीके से आप अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ये पहला तरीका है, चलिए दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू। तो आपको सिंपली ये जो मोबाइल नंबर है 707002222 ये अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आप इस नंबर पे जैसे ही हाई टाइप करेंगे तो यहाँ पे इनका जो क्रेडिट कार्ड का बोट है, व्हाट्सएप बोट है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाने लगेगा। तो सबसे पहले जैसे मैं क्रेडिट कार्ड सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज सिलेक्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। मैं क्रेडिट कार्ड के सामने देखना चाहता हूँ, कार्ड को मैनेज करना चाहता हूँ या ब्लॉक करना चाहता हूँ, अनबिल ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं अपने कार्ड को मैनेज करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैनेज माई कार्ड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे को सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे शोकेस कर दी, मेरे कार्ड की कितनी लिमिट है, टोटल कैश लिमिट कितनी है। और अगर मैं फॉर एन एग्जांपल अपनी डोमेस्टिक लिमिट चेंज करना चाहता हूँ ऑनलाइन यूजर्स में, तो मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके थ्रू आप इजीली व्हाट्सएप के थ्रू, इनके चैटबॉट के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरा तरीका है HDFC का चैटबॉट ईवा। तो यहाँ पे आपको सिंपली HDFC ईवा चैटबॉट सर्च करेंगे और आप इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आस्क ईवा करके एक ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शोकेस हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में जाएंगे एंड अगेन यहाँ पे आपको जो भी चीज़ करनी है आप वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज करना है तो आप क्रेडिट कार्ड मैनेज पे क्लिक करेंगे, देन ये पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं, कार्ड कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन लिमिट चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कार्ड कंट्रोल में जाता हूँ तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के लिए बोल रहा है, आप पढ़ के वहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। एंड देन ये आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा, आप वो एंटर कर दीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ATM की या मर्चेंट आउटलेट पे लिमिट चेंज करना चाहता हूँ इंटरनेशनल या ऑनलाइन में, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स मेरी लिमिट अभी डिसेबल्ड है तो मैं इसको एनेबल कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आप एनेबल शोकेस कर दिए और मेरे को इसका SMS भी आ गया है। सो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल बैंक साथी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।